चीजें कर लीजिए ताकि हमारे सांस लेने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल रिलैक्स। दो बार और करेंगे। हरिओम का गुंजन। गहरा लंबा श्वास। और सुषुम्ना
नाड़ी का मेल होता है आज्ञा चक्र पे, और यहाँ पर ऑलरेडी आज्ञा चक्र है। जब हम ब्रीथ को लेते हैं छोड़ते हैं तो यहाँ पर कंपन होता है, ठीक है, तो प्रकाशित होता है और हम बुद्धिमान बनते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे, सांस लेंगे ओम, सांस छोड़ेंगे काउंटिंग, वन सांस लेंगे ओम, सांस छोड़ेंगे गिनती टू, तो 20 सांसें हमने लोग ले लोगी, ठीक है। चलिए फिर से करेंगे, सांस ले आओ, सांस छोड़ेंगे गिनती, सांस लेंगे ओ, सांस छोड़ेंगे गिनती, सांस लेंगे ओ, सांस छोड़ेंगे गिनती, अपनी गिनती को ध्यान रखेंगे। 20 सांसें अनुलोम विलोम, गहरा लंबा धीमा सांस, एक हाथ में मुद्रा ज्ञान मुद्रा कमर से भी, गर्दन से भी, बहुत बढ़िया, दोनों एब्रो के बीच में फिंगर को रखना है, कमर से भी रिलैक्स, कंसंट्रेट करना है हमको दोनों एब्रो के बीच में। आईज सारे लोग क्लोज करेंगे और जहां पर हमने फिंगर को रखा था वहां पर ओम को देखना है। हमारा जो आज्ञा चक्र है उसका कलर है ब्लू, नीला कलर, वॉलेट वाला कलर बैगनी, बैगनी वाला नीला कलर है और ओम मंत्र है इसका, ठीक है। तो इस पूरी को हमें अपने आज्ञा चक्र में देखना है अपनी मन की आंखों से, सिर्फ 30 सेकेंड, केवल 30 सेकेंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जहां पे हमने फिंगर अपनी रखी हुई थी वहां पर ओम को देखेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल, आईज क्लोज करके सारे लोग आंख बंद, देखो किसको दिखता है, कैसा कलर दिखता है, ओम मंत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आंख बंद कीजिए, ओम मंत्र को देखने की कोशिश कीजिए, ओम मंत्र को देखने का प्रयास दोनों आंखों के बीच, कॉन्सेंट्रेट ध्यान फोकस, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ओम दिख रहा है, अनुलोम विलोम बंद कीजिए बच्चा, हाँ अनुलोम विलोम बंद करके जहां पे फिंगर रखा था आपने वहां पे ओम को देखना है, पूरा ध्यान कीजिए ओम का, ओम दिख रहा है, वॉलेट ब्लू कलर दिख रहा है, ओम मंत्र आज्ञा चक्र कॉन्सेंट्रेट, जहां पर तिलक करते हैं हमारा चक्र प्रकाशित हो रहा है, शाइनिंग, चारों तरफ ओम की ऊर्जा को देख रहे हैं दोनों आंखों के बीच, बहुत बढ़िया। देन ड्रॉप योर पाम, अपने हाथों को आपस में रख देंगे, अच्छे से रख दीजिए, अपनी आई और अपने फेस पर लगाइए, हमने किए हैं प्राणायाम, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आसन करेंगे, आसन में सबसे पहले हम थोड़ा सा
कॉमा बटरफ्लाई। तितली आसन जितना तेज कर सकते हैं, पकड़ के रखेंगे इसको अच्छे से। फास्ट फास्ट, वन टू थ्री फोर, फास्ट फास्ट, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, फास्ट फास्ट, थर्टीन दोनों पैरों को टच कीजिए, फोर्टीन फास्ट फास्ट, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन फास्ट फास्ट, एटीन पकड़िए पैर को पकड़िए आगे, नाइनटीन एंड ट्वेंटी। रिलैक्स, पैर को ऐसे ही रखना है, नीचे की ओर पुश करेंगे इसको, अच्छे से पुश कीजिए, इनक्लोज ओपन, खोलिए इसको अच्छे से, जमीन में टच करने की कोशिश, क्लोज ओपन क्लोज, खिंचाव अच्छे से महसूस होना चाहिए हमें अपने थाइस में, ठीक है ओके। एक बार और देखिए, जमीन में टच करने की कोशिश करो, अभी पैर को इस तरीके से रख देंगे आगे और पीछे, हाथ क्रॉस में और ऊपर, एक हाथ देखो जो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है उसको हमने सीधे घुटने पर रख दिया, ठीक है, और जो सीधा हाथ है उसको मुद्रा लगा के साइड, सीधा हाथ लीजिए साइड और खिंचाव होगा यहाँ पर, अच्छे से खींचे अपने बॉडी को, बहुत बढ़िया, दूसरी साइड से कीजिए, अच्छा लगेगा आपकी बॉडी को, ठीक है, हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और पता है बूढ़े भी नहीं होते, किसको किसको बूढ़े होना है, नीचे ऐसे झुक के चलना है क्या, नहीं ना, फ्लेक्सिबल होना है ना, बहुत बढ़िया, एक बार इधर से, एक बार और इधर से, पैर को खोलेंगे, देखो किसी के ऊपर कोई पैर टच नहीं करेगा, दूर दूर, ठीक है, पैर को खोलिए, एक पैर उसके ऊपर कर लिया, अभी इस पैर को नीचे की ओर पुश कीजिए और अपने अंदर की ओर, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना लेके जाइए, ठीक है, अब नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, पैर सीधा कीजिए, ये एकदम सीधा, नीचे ऊपर नीचे, वेरी गुड, अब क्या करना है, हाथ को ऊपर क्यों लेंगे, देन टच, कोशिश कीजिए पैर को अच्छे से पकड़ने की, सांस लीजिए अच्छा वाला, गहरा लंबा सांस, डाउन नीचे की ओर, अगर आपकी आवाज आएगी तो आसन नहीं कर पाओगे, मुंह बंद होना चाहिए और केवल हाथ पैर चलने चाहिए, बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए नीचे तक आने की कोशिश कीजिए, देखिए इसमें ना पश्चिम मोतान आसन करते ना, ये अर्ध पश्चिम मोतान आसन है, ठीक है, रिलैक्स, दूसरे पैर से करेंगे, पहले अर्ध पद्मासन लगाया हमने, फिर उसके बाद में इसको नीचे पुश कर रहे हैं, इनहेल अप, सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पैर सीधा, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस लेंगे ऊपर, इस साइड से भी ऐसे ही, सांस लीजिए अच्छे से, एक्सहेल डाउन, बापू जी का फेवरेट आसन है, पश्चिम मोतान आसन का फेवरेट आसन बोलते हैं, इससे ना पूरी बॉडी में खिंचाव होता है, मतलब पैर में, थाइस में, कमर में, हाथ में, शोल्डर में, सब में खिंचाव होता है, बेटा कीजिए, मतलब आपने एक आसन कर लिया पूरी बॉडी पे खिंचाव हो गया है, ठीक है, एक बार और सांस लीजिए अच्छे से मेरे साथ, इनहेल अच्छे से सांस लीजिए, कम लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए नीचे टच, बहुत बढ़िया, दोनों पैर सीधे, इनहेल सांस लीजिए ऊपर की ओर, एक्सहेल डाउन, सांस छोड़ेंगे,
छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, रेंग भुजाओं का आसन, भुजाओं का आसन, बाद पीछे अगर साइड साइड हो जाए, अगर जगह नहीं है तो साइड साइड, आधा घूम जाओ, आधा घूम जाओ, बेल पर्वत आसन, पर्वत, सारे लोग पर्वत बनेंगे, बैठने से क्या होगा, इसको देखो और कोशिश करो, करो ये देखो बैठे हैं सामने, ये बच्ची कितना अच्छा कर रही है, कोशिश करोगे तो हो जाता है, असंभव कुछ नहीं है। बहुत सुंदर, देखो एक बच्चे ने कोशिश करी तो हुआ ना उससे। अगेन शशांक आसन, शशांक वज्रासन में बैठेंगे, उधर जाएगा नहीं जाएगा, चालन आसन, एक पैर को आगे किया पर्वत में, एक पैर आगे, एक पैर आगे, पीछे वाला पैर पीछे,
वीडियो बन रही है। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ ना, तो बिल्कुल पैर में। मैडम अभी करेंगे तो yeah।
बिल्कुल शांत हो जाएंगे। देखो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है, तो धीरे 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 घुटने के नीचे दोनों हाथ को लगाएंगे, देन वापस डाउन, ठीक है। धीरे 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 नीचे जाइए, देन पादहस्तासन में आगे क्यों, अगेन पीछे, फिर वापस, फिर से जाएंगे पीछे, वापस आगे की ओर, पादहस्तासन। देखो एक दूसरे को देखना नहीं है, सबसे पहले किसको करके दिखाना है, कौन करके दिखा रहे हैं, सबसे पहले चक्रासन खड़े होके करो, मैं करूं, मैं देखती हूँ, कर। देखो हो गया इसका, जो भी करके दिखाएगा ना उसको हम फोटो क्लिक करके हम सेंड करेंगे, ठीक है, आगे जाएगा वो। करो करो करो, बहुत बढ़िया। पता है हम ना शीर्षासन भी सिखाएंगे आपको, हम नीचे खड़े होके आराम से पैर ऊपर खड़े होके आप खड़े हो सकते हो, ठीक है, सबको सीखना है ना, तो फिर शांति से सुनेंगे, अच्छे से करेंगे, शांति से सुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करना है धनुरासन, आराम से बैक साइड से लेट जाएंगे, पहले लेट जाने दो सबको, रुक जाओ, लेट जाने दो सारे लोग, लेट जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाओ आराम से, धनुरासन। भले पहले सुनो सभी, सीधे खड़े हो, आपका ये लाफिंग आसन हो रहा है क्या? आपको आसन करते समय हंसी बोलना ये सब क्यों होता है? मास्क क्यों निकाले अपने फेस से पहले तो ये बताइए, हटवाए हैं
लेकिन लेकिन आपका मुंह बिल्कुल बंद होना चाहिए, आवाज नहीं तो नहीं, जिसको आवाज करनी है वो बाहर निकल जाओ यहाँ से, असेंबली से बिल्कुल बाहर। साइलेंटली नहीं कर सकते हो आप कोई भी आसन, बार बार बोला जा रहा है शांत शांत, कितना आनंद आता है अगर शांति से करोगे तो, समझ में भी आएगा, उनकी आवाज भी नहीं सुनाई देती दीदी की। Jumping jack, one, two, three, start, one.
दोनों पैर आगे